अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप मेरा चैनल देख रहे हैं साके भी लॉग। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो बहुत ही दिलचस्प वीडियो लेके आया हूं आपके लिए अट्टा फार्मिंग के बारे में। आपको आज सारे प्लान के बारे में बताएँगे कि इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कैसे ले सकते हैं। और आप देख रहे हैं मेरी पिछली वीडियो में भी आप देख सकते हैं अट्टा फार्मिंग के बारे में आप तक वीडियो पहुँचाई थी, लेकिन आज मैं डिटेल के साथ आपके पास वीडियो लेके आया हूँ। तो वो डिटेल क्या है वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो है सब्ज चारा। अगर आप इसको सब्ज चारा इस्तेमाल करवाते हैं पहले रूटीन की तरह, जिस तरह से किसान भाई शुरू से लेके अब तक जो करते आ रहे हैं वो सब्ज चारा है, और सब्ज चारा खिला दिया या पानी पिला दिया, जिससे एक दिन का वज़न जो है इनका 100 से 150 ग्राम बढ़ता है। तो ये कोई ज़्यादा ख़ास इसका मुनाफा नहीं हो सकता। आप अगर ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो इसमें एक और भी खुराक आ जाती है, वो क्या खुराक है, वो है सैलेज। अगर आप इनको सैलेज इस्तेमाल करवाते हैं तो सैलेज में ये होता है कि आपका जो एक दिन का जो है इसका वेट है, इसकी ग्रोथ है, वो तकरीबन 500 ग्राम एक दिन की हो सकती है। तो जो सब्ज चारे वाला है, अगर आप सब्ज चारे पर इनको इनकी जो है देखभाल करते हैं, इनकी परवरिश करते हैं, तो वो एक साल लगेगा। अगर आप सैलेज पे आ जाते हैं तो सैलेज में आपको तकरीबन 6 महीने या 7 महीने तक ये तैयार होंगे। तो उसमें भी थोड़ा ज़्यादा खर्चा है, और उधर चारे में आप लगा ले उस चारे में भी ज़्यादा खर्चा आ जाता है। अगर आप जो आसान तरीका है जिससे आप ज़्यादा मुनाफा भी कमा सकते हैं और बचत भी कमा सकते हैं, उसमें ये होगा कि अगर आप सिर्फ तूड़ी, जो तूड़ी है यूरिया तूड़ी और साथ में बंडा, अगर आप ये इस्तेमाल करवाते हैं अपने जानवरों को, जिस तरह से आप देख सकते हैं माशाल्लाह से अभी ये सब्ज चारा खा रहे हैं, तो सब्ज चारा भी आपने देखा उससे कितना जो है इनका वेट बढ़ता है, इनकी कितनी ग्रोथ होती है। और आपने सैलेज भी देखा, सैलेज भी आपको बताया कि उससे कितनी आप इससे ग्रोथ ले सकते हैं और मुनाफा ले सकते हैं। तो जो तकरीबन यूरिया तूड़ी और बंडे के साथ जो इनकी ग्रोथ होती है माशाल्लाह से, एक महीना जो है ज़्यादा लग जाता है, और एक महीने ज़्यादा लगने की कोई वजह नहीं है, कोई इतनी ख़ास बात नहीं है, क्योंकि उस एक महीना ज़्यादा लगने की वजह से आपको मुनाफा भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि आपने तूड़ी इस्तेमाल करवानी है, या तूड़ी इस्तेमाल करवाते हैं या वंडा इस्तेमाल करवाते हैं, तो उससे आपकी जो ग्रोथ है वो तकरीबन 600 ग्राम होगी एक दिन की। तो उससे खर्चा आपका कम होगा और ग्रोथ आपकी ज़्यादा होगी, जो आपको 6 से 7 महीने में आपको माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा एक जानवर आपको मुहैया हो सकता है, अगर आप उसकी अच्छी देखभाल करते हैं। तो इससे जानवर जो है शौक़ से पानी भी पीता है, और जो यूरिया तूरी है और बंडा है ये माशाल्लाह से बहुत ही कामयाब खुराक है जानवरों के लिए। कट्टा फार्मिंग भाइयों की ये आपको डिटेल दे रहा हूँ कि कट्टा फार्मिंग जो करना चाहते हैं उन भाइयों के लिए ये बहुत ही दिलचस्प वीडियो है। अगर ऐसी मज़ीद वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो यही था आज का हमारा व्लॉग, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स करना, लाइक करना, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी पर करते हैं एंड, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।